राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और लोगों को सरकार से होने वाले फायदे के बारे में बताया। आज का कार्यक्रम विज्ञान फाउंडेशन और ऑक्सफैम एक संस्था है लखनऊ की, जो कि यहाँ पे शहरी गरीबों के बीच में पिछले 9 वर्ष से कार्य कर रही है। उनका एक संगठन भी है शहरी गरीब संघर्ष मोर्चा नाम से, जो कि शहरी गरीबों के आवास और आजीविका के लिए काम करता रहा है पिछले 9 वर्षों से। आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है वो शहरी गरीब संघर्ष मोर्चा के कुछ नेतृत्वकर्ताओं की और जो स्थानीय सभासद हैं उनकी मिला करके है, जिसमें जो केंद्र सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये योजना जिनके लिए लागू की गई है उन्हें ठीक से जानकारी नहीं है। तो संस्था का ये उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिनके लिए ये योजना बनाई गई है उन तक ये योजना पहुंचे। इस योजना में क्या खास बात है जो गरीबों गरीब तबके लोगों को फ़ायदा है? इस योजना में एक तो उन्हीं गरीब तबकों के को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और उनके ग्रुप बना के और उनको इंडिविजुअल लोनिंग करके कुछ ट्रेनिंग दे के उनके कौशल का प्रशिक्षण करके उनको स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार देने की व्यवस्था की गई है इस योजना में। ये इस योजना की खास बात है। नाम बता।